हेलो गाइस, वेलकम टू गेट फॉर गीक्स। आज की वीडियो में हम लोग सी और डीएस से रिलेटेड ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सी इज इक्वल टू हेलो। सी एक आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें हेलो स्टोर है, हेलो स्ट्रिंग स्टोर है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है साइज ऑफ सी क्या रिटर्न करेगा और एसटीआर लाइन क्या रिटर्न करेगा। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई ऐसी तरीके से स्ट्रिंग वेरिएबल होता है तो वो सी में कैसे मेमोरी में स्टोर होता है। तो ये एक तरीके से एरे के फॉर्म में स्टोर होता है, H E L L O, और हर एक कैरेक्टर एरे में, ये क्या है हमारी कैरेक्टर एरे है। और हर कैरेक्टर एरे का जो लास्ट एलिमेंट होता है वो एक होता है /0। ये हर कैरेक्टर एरे में स्टोर होता है। तो अब आपको कन्फ्यूजन होगा, अब आपको इसमें 100% कन्फ्यूजन होगा कि साइज ऑफ सी 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। और अगर साइज ऑफ सी 6 होगा तो एस टी आर लेंथ भी 6 होगा, या फिर वाइज वर्जा 5 5 दोनों होंगे। तो गाइस, जो आपको यहाँ पे सबसे पहले समझना है वो ये, साइज ऑफ आपका मेमोरी से रिलेटेड है। ये आपकी ये देखता है कि कितनी मेमोरी ली है। कैरेक्टर 1 byte का होता है हमारा, इसीलिए यहाँ पे इस नल कैरेक्टर के लिए भी मेमोरी जाती है हमारी। तो 1 2 3 4 5 6, तो साइज ऑफ सी हमेशा क्या होगा, 6 होगा। हमेशा मतलब इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में 6 होगा। किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल में आप नल कैरेक्टर को काउंट करके ही साइज ऑफ की वैल्यू बताएंगे। पर ऑन द अदर हैंड एसटीआर लेंथ, ये हमारी सिर्फ स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स को काउंट करती है। तो 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स कितने हैं, कैरेक्टर्स हमारे 5 हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 5 होगी सिर्फ। तो यहाँ पे गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ही, जो आपको समझना था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको 2 lines ऑफ कोड दे रखा है और फाइनल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी पूछा है। इनिशियली आपको ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 डिक्लेयर करके दिया है। कैच इज इन दिस स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट रीड होना स्टार्ट होगा और इवेल्यूएट होगा। यूनरी ऑपरेटर मिलेगा तो ए पे यूनरी ऑपरेटर लगेगा और ए 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब एक्सप्रेशन किस टाइप का बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 और b++। अब गाइस, जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको नोट करनी है वो ये है, शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, ये लॉजिकल और ऑपरेटर है। लॉजिकल और ऑपरेटर आपको पता है कि अगर यहाँ पे ट्रू आ जाता है, ये ट्रू है, तो इसकी वैल्यू मैटर नहीं करती है और एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा ट्रू आता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, जब भी लॉजिकल और ऑपरेटर होता है, अगर उसका फर्स्ट ऑपरेंड अगर ट्रू आ जाता है तो वो सेकंड को इवेल्यूएट नहीं करता, नॉट इवेल्यूएटेड। अब आप बोलेंगे 2 ट्रू कैसे है, तो गाइस सी लैंग्वेज में 0 हमेशा फॉल्स होता है एंड अदर 0 के अलावा एनीथिंग नॉट इक्वल टू 0 इज ट्रू। इनफैक्ट नेगेटिव वैल्यूज भी ट्रू होती हैं, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। अब ट्रू हमारा 1 होता है, 0 हमारा फॉल्स होता है। तो गाइस बी यहाँ पे ये इवेल्यूएट नहीं होगा, तो फाइनल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, फाइनल वैल्यूज हो जाएंगी, ए हमारा क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है तो 1 से 2 हो जाएगा, बी में हमारे कोई चेंज नहीं होगा तो बी 2 ही रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड सी की वैल्यू होगी 1, क्योंकि सी क्या होगा, सी ट्रू होगा और ट्रू हमारे लिए क्या होता है, ट्रू होता है 1, तो सी की वैल्यू होगी 1। तो गाइस ये है इसके फाइनल वैल्यूज के आंसर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ट्रिकी क्वेश्चन है सी डी एस का। यहाँ पे क्या है, 3 अलग अलग तरीके से आपको साइज ऑफ ए पूछा है, जहाँ पे ए जो है डिक्लेयर किया है। फर्स्ट केस में देखते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करी है ए को। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ जाता है, काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरे में हमने कुछ डिफाइन तो किया नहीं है, सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो इसका साइज़ तो 0 होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप डिक्लेयर करते हैं मेमोरी में, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 10 ब्लॉक्स ऑफ एरे, क्योंकि कैरेक्टर 1 byte का होता है, 1 1 byte के डिक्लेयर हो जाते हैं
मतलब एंगेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे साइज ऑफ ए इस केस में क्या होगा, 10 होगा, 10 बाइट्स होगा। सेकंड केस अगर हम देखें तो यहाँ पे सेम वही चीज़, यहाँ पे दो एलिमेंट डिक्लेयर है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका साइज 2 बाइट्स कर देते हैं। बट सेम चीज़ मेमोरी में तो पूरी 10 बाइट की एरे जो है रिजर्व्ड हो चुकी है। अब उसमें आप कितने भी एलिमेंट डिक्लेयर करो या ना करो, शुरू के दो एलिमेंट 1, 2 रहेंगे बट बाकी के जो रहते हैं वो नल कैरेक्टर रहते हैं। तो एट द एंड स्पेस तो यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे भी साइज़ क्या हो जाएगा, 10 बाइट। अब आता है ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस। गाइस इस वाले केस में क्या है, ये एक यहाँ पे अगर आप इस डिक्लेरेशन को ध्यान से समझे तो ये क्या है, ए यहाँ पे एरे नहीं है, ए इज़ अ पॉइंटर टू कैरेक्टर एरे, या फिर टू स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो अल्टीमेटली ए यहाँ पे क्या है, ए एरे नहीं है, ए पॉइंटर है जो कि एड्रेस स्टोर करेगा। कैसे समझिए आप इसको, इसको ऐसे समझिए जैसे मेमोरी में कहीं पे ए बी सी स्टोर हो गया, इसका एड्रेस है 1000। तो ए क्या है, ए आपका पॉइंटर है जो कि कैरेक्टर एरे का एड्रेस स्टोर करेगा। तो ए में क्या होगा, ए में तो अल्टीमेटली 1000 ही होगा। तो ए का साइज़ क्या होगा, ए का साइज़ हम कैसे बताएंगे, पॉइंटर का जो साइज़ होता है ए का साइज़ वो होगा। अब पॉइंटर क्या है, पॉइंटर तो एड्रेस स्टोर कर रहा है, एड्रेस क्या है, इंटीजर है। तो अल्टीमेटली कंपाइलर में जो भी इंटीजर का साइज़ होगा वो हमारे एड्रेस का साइज़ हो जाएगा, वो सॉरी ए का साइज़ हो जाएगा। तो अगर 4 बाइट इंटीजर का साइज़ होगा तो इसका साइज़ हो जाएगा 4 बाइट, और अगर 8 बाइट होगा तो 8 बाइट। तो यहाँ पे कंफ्यूज ऐसे नहीं होना है कि अगर ये एरे है तो यहाँ पे 1, 2, 3 कैरेक्टर्स है तो 3 बाइट होगा इसका आंसर, नो। क्योंकि ये पॉइंटर है, यहाँ पे मत भूलिए ये वाला जो सिंबल लगा है एस्ट्रिक का, ये पॉइंटर है और पॉइंटर हमेशा इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, क्योंकि पॉइंटर हमेशा एड्रेस स्टोर करता है, एड्रेस इंटीजर होता है। तो जो भी साइज़ इंटीजर का होगा वही इसका साइज़ होगा। तो गाइस जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ इनमें मेरे को पर्सनली इशू फेस हुआ था, डिफ़िकल्टी फेस हुई थी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ प्रिपरेशन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। तो गाइस अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करने का। थैंक यू।